हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एचसी वर्मा चैप्टर 8 वर्क एंड एनर्जी का प्रॉब्लम नंबर 62 डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या बोला जा रहा है इस प्रॉब्लम में। फिगर 8E17, आप इस फिगर को देखें तो एक स्मूथ ट्रैक है जो कि एक सर्कुलर पोर्शन और दूसरा एक इंक्लाइंड प्लेन, ये दोनों से बना हुआ है और स्मूथली कनेक्टेड है एक दूसरे से। इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ आपको एल दी हुई है और सर्कुलर ट्रैक जो है उसकी रेडियस दी हुई है आर। तो हमें बतानी है कि पार्टिकल जब एक प्रोजेक्ट की जाती है फ्रॉम द बॉटम ऑफ इंक्लाइन, तो उसकी मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड कितनी हो, ठीक है, वी नॉट हमें फाइंड करनी है, सो दैट पार्टिकल जो है टॉप ऑफ द ट्रैक पहुंच जाए। मीन्स ये आपकी टॉप पोर्शन होगी, यहाँ तक आ जानी चाहिए, तो वो मिनिमम स्पीड हमें फाइंड करनी है। पार्ट बी में बोला जा रहा है कि अगर प्रोजेक्शन स्पीड 2V0 हो, ठीक है, तो टोटल फोर्स आपका कितना एक्ट करेगा पार्टिकल पर जब वो टॉप पर पहुंच जाएगा। वहीं पार्ट सी की अगर बात करें तो बोला जा रहा है कि प्रोजेक्शन स्पीड जस्ट ग्रेटर देन वी नॉट हो, मीन्स टॉप तक तो पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइड होगा, तो कितने एंगल पे वो जो है फ्रॉम वेयर द ब्लॉक लूज कॉन्टैक्ट, ठीक है, कहां पर आपका कॉन्टैक्ट ट्रैक और ब्लॉक के बीच में ब्रेक हो जाएगा, वो हमें फाइंड करनी है। चलिए तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पार्ट ए की बात करते हैं, तो स्पीड हमें मिनिमम स्पीड वी नॉट फाइंड करनी है, ठीक है, पार्ट ए में मिनिमम स्पीड वी नॉट फाइंड करनी है, सच दैट ये पॉइंट ए आपका टॉप पॉइंट हो गया, ट्रैक का टॉप मोस्ट पॉइंट ए है, ठीक है, यहां तक पहुंच जानी चाहिए। तो देखिए अगर मिनिमम स्पीड वी नॉट फाइंड करनी है, तो अगर ए पर जब पहुंचेगा तो पार्टिकल की स्पीड 0 होनी चाहिए, तभी हमारी स्पीड मिनिमम होगी वी नॉट, ठीक है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो ए पर जब पार्टिकल पहुंचे तो स्पीड उसकी 0 होगी, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हुए ये फाइंड कर सकते हैं कि चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए तो देखिए, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वी नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली आपकी हो जाएगी ब्लॉक की जो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी। तो क्यों ना हम ये पॉइंट पी से जो कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टल, इस लाइन को हम ले लेते हैं रेफरेंस लेवल, जहां की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी रेफरेंस लेवल है, ठीक है। तो बॉटम से जब प्रोजेक्ट की जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई। अब देखिए फाइनल एनर्जी की बात करें, जब पॉइंट ए पर हो पार्टिकल, ठीक है, तो ई पर जब पार्टिकल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी मीन्स आपकी रेफरेंस लेवल से कितनी डिस्टेंस है उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब देखिए, पहला तो आपका ये एल वाली पोर्शन है, ठीक है, यहां तक की लेंथ दी हुई है आपको, यहां से लेकर यहां तक एल है, बट हमें परपेंडिकुलर लेंथ आपकी हाइट चाहिए, ठीक है, मीन्स ये चाहिए हमें। तो ये आपका हो जाएगा कितना, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा प्लस ये आपकी हो जाएगी ए सी, ठीक है। ए सी लेवल कितनी होगी, तो ए सी आपकी आर माइनस आर कॉस थीटा कर देंगे। देखिए ये एंगल आपकी थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री होगी, टांजेंट होगी तभी स्मूथली कनेक्टेड होगी, ठीक है। तो ये एंगल आपकी ये भी थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो ओ सी जो है हमारी, ओ सी इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, ओ सी इक्वल टू आर साइन कॉस थीटा। तो ए सी की अगर बात कर लें, हमें तो ए सी पहले चाहिए, ए सी इक्वल टू ओ ए माइनस ओ सी, और ओ ए हमारा आर है रेडियस के बराबर, माइनस ओ सी इक्वल टू आर, आर हमारी रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट, आर कॉस थीटा, ठीक है। चलिए तो अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होगी पॉइंट ए की जब बात करें,
एम इंटू जी इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा मीन्स ए सी आर माइनस आर कॉस थीटा, ये हमारा ए सी हो गया। प्लस हमें ये पोर्शन भी ऐड करना है, एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा, ठीक है। और यहां से हम मिनिमम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एम और एम एल एच एस आर एच एस में कैंसिल हो जाएगी, तो वी नॉट स्क्वायर हमारी जो है इक्वल टू 2g इंटू आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस एल साइन थीटा, ठीक है। देखो वी नॉट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट 2g इंटू 2g इंटू आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस एल साइन थीटा, एल साइन थीटा हो जाएगी साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा पार्ट एक आंसर हो गया, ठीक है। वी नॉट चलिए इसे हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब पार्ट बी में देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रोजेक्शन स्पीड अगर 2v0 हो, जो v0 हमने कैलकुलेट किया उसका डबल हो, तो जब टॉप पर पार्टिकल पहुंचेगी तो नेट फोर्स आपका पार्टिकल पर कितना एक्ट करेगा, टोटल फोर्स हमें फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए तो वी नॉट हमें पता है, तो टू टू वी नॉट इसकी स्पीड हो जाएगी इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड। चलिए अब मान लीजिए, देखिए जब वी नॉट होती तो पार्ट पॉइंट ए पर स्पीड 0 थी, अब 2v0 जब है तो कुछ तो स्पीड होगी क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज सेम हो रही है जितना हमारे पार्ट ए में हो रही थी, तो यहां सपोज स्पीड इसकी v है, ठीक है। सपोज इसकी स्पीड v है पॉइंट ए पर आने के बाद, ठीक है। ये पार्ट बी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां भी हम क्या करेंगे, v की वैल्यू पहले हमें फाइंड करनी है, तो v की वैल्यू बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हुए ही हम फाइंड कर सकते हैं। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे हमने पार्ट ए में किया बस सेम काम यहां करना है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, बट यहां इनिशियल स्पीड 2v0 है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। अब देखिए पॉइंट ए की बात कर लेते हैं, पॉइंट ए पर अब तो हमारे पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल के पास, तो हाफ एम वी हमने वेलोसिटी लिया, स्पीड लिया है, तो हाफ एम वी इस पर ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी जो हमने पार्ट ए में लिया था, ठीक है। देखिए यही हो जाएगा एम जी इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा प्लस एल साइन थीटा, ठीक है। तो एम जी इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा प्लस एल साइन थीटा, ये आपकी पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करनी है, वी नॉट वी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वी नॉट तो हम जानते हैं क्या है, चलिए मास तो कैंसिल हो जाएगा आपका दोनों साइड, और देखिए हाफ और ये 4 हो गया, तो 2v0 स्क्वायर, ठीक है, 4v0 स्क्वायर बाय 2, तो 2v0 स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस जी इंटू आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस एल साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए वी नॉट की वैल्यू हमें पता है, हमने कैलकुलेट किया है, तो वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस एल साइन थीटा, तो 2 इंटू ट्वाइस जी इंटू आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस एल साइन थीटा इक्वल टू, अच्छा यहाँ वी स्क्वायर बाय 2 होगा, ये हमने मिस कर दिया, ठीक है। इधर 2 है, हाफ वी स्क्वायर है, इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 प्लस जी इंटू आर
वन माइनस कॉस थीटा प्लस एल साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या वी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां से देखिए आपका 2 × 2 4g, और ये टर्म और ये टर्म सेम है आपका, तो 4g − g 3g हो जाएगा। इट मीन्स वी स्क्वायर इक्वल टू 6 × g, क्योंकि ये 2 आपका जो है ये भी हम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 × 2 6g × r × 1 − cos θ + l sin θ। ठीक है, ये वी स्क्वायर हो गया हमारा, ये सपोज हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करनी थी पार्ट बी में, हमें नेट फोर्स फाइंड करनी है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेस टू टॉप। अब देखिए, अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पॉइंट ए पर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको एक्ट कर रहा है वेट ऑफ द पार्टिकल एम जी, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स एन। बट हमें ये सेपरेट फोर्स से मतलब नहीं, हमें नेट फोर्स से मतलब है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स आपका एम जी माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, और टुवार्ड्स रेडियल डायरेक्शन है। ठीक है, देयरफॉर नेट फोर्स एफ इक्वल टू एम जी माइनस एन, तो नेट रेडियल फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स रेडियल एक्सेलरेशन, तो वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और वी स्क्वायर हमारा 6g है। चलिए, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और 6g, तो 6m × g बाय आर, तो आर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 1 − cos θ + l/r sin θ। ठीक है, आर से हमने डिवाइड कर दिया, sin θ, यही हमारा नेट फोर्स हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, सपोज ये इक्वेशन 3 है, पार्ट बी का आंसर हो गया। अब देखिए पार्ट सी में क्या हमें बोला जा रहा है, एज्यूमिंग दैट प्रोजेक्शन स्पीड जो है स्लाइटली ग्रेटर देन वी नॉट होगा, तो किस पोर्शन पर आपका कंटेक्ट ब्रेक होगा बिटवीन ट्रैक एंड पार्टिकल। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम मान लेते हैं कि एंगल अल्फा पर, ठीक है, जब पॉइंट डी पर पार्टिकल पहुंचे तो वहां आपका कंटेक्ट ब्रेक होगा, और कॉन्टेक्ट ब्रेक होगा तो नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स ब्लॉक और ट्रैक के बीच में 0 हो जाएगी। तो ये हमें अल्फा एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एनर्जी, देखिए पॉइंट ए और पॉइंट डी, ठीक है, तो पॉइंट ए पर अगर हम बात करें तो स्पीड कितनी होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जस्ट ग्रेटर देन वी नॉट बोल रहा है, और वी नॉट के केस में हमने देखा था कि अगर यहां आपका वी नॉट हो तो पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी 0, तो यहां पर आपकी इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी पॉइंट ए के पास। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो हमारे रेफरेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करेगी, तो रेफरेंस लेवल हम सपोज डीई लाइन को रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, रेफरेंस लेवल इसे हम इसलिए ले रहे हैं ताकि पॉइंट डी पर जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए। ठीक है, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाएगी mg। अब देखिए ae फाइंड करना है हमें, तो ae कितनी हो जाएगी, ae इक्वल टू oa − oe। ठीक है, और oa कितना है, r − oe हमारा हो जाएगा r cos α। ठीक है, तो mg r × 1 − cos α, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई पॉइंट ए पर cos α इक्वल टू, अब हम पॉइंट डी पर जब थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और स्पीड हमने एज्यूम किया वी, तो ½mv2, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, और रेफरेंस लेवल है डी, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ से हमें वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। एम और एम तो देखिए आपको दोनों साइड कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस जी इंटू आर इंटू वन माइनस कॉस अल्फा, सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। अब देखिए हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट डी पर ब्लॉक का बनाते हैं, ये हमारा ठीक है डी पॉइंट पर, तो आपकी एक्ट कर रही है देखिए वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ये आपका टुवार्ड्स द सेंटर ओ हो गया और ये एंगल हमें पता है, ठीक है तो ये एंगल हमारा अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स इस समय 0 हो जाएगी, ओनली फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट ऑफ द ब्लॉक एम डी एक्ट करेगा, ठीक है तो टुवार्ड्स सेंटर, सेंटर हमारा ओ है, इस डायरेक्शन में एम डी कॉस अल्फा एक्ट करेगा, एम डी कॉस अल्फा, ओनली रेडियल फोर्स जो नेट रेडियल फोर्स एम डी कॉस अल्फा, स्पीड टांजेंशियल स्पीड हमारी वी है, ठीक है तो मोशन ऑफ ब्लॉक एट डी पॉइंट पर, ठीक है नेट रेडियल फोर्स एम जी कॉस अल्फा इक्वल टू मास टाइम्स रेडियल एक्सेलरेशन और वो हो जाएगी वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है मास और मास कैंसिल हो गया इधर देखिए दोनों साइड, तो जी इंटू आर कॉस अल्फा इक्वल टू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 4 हम लिख सकते हैं ट्वाइस जी आर इंटू वन माइनस कॉस अल्फा। अब देखिए जी आर और जी आर आपके कैंसिल हो जाएंगे और इसे हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स कॉस अल्फा इक्वल टू 2, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3, ठीक है तो इसी एंगल पर आपका जो कांटेक्ट है पार्टिकल और ट्रैक के बीच में सर्कुलर पोर्शन जो है उसके बीच में आपका ब्रेक हो जाएगा कांटेक्ट, ठीक है यही आंसर हो गया हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 62 के सॉल्यूशन डिस्कस किए, बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।